नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की सभी पॉलिटेक्निकल में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों, अगर आपने 10th या फिर 12th पास कर लिया है तो हरियाणा के किसी भी पॉलिटेक्निकल में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में आप डिप्लोमा पास आउट कर सकते हो। अगर आप मैकेनिकल से करना चाहते हो, कंप्यूटर से करना चाहते हो या फिर आप सिविल से करना चाहते हो, यानी कि जो भी आपके पसंद की ट्रेड है। लास्ट ईयर दोस्तों मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो आपको दी थी कि आप हरियाणा की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, जब आपका रिजल्ट आ जाता है 10th का या फिर 12th का, उसके बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं और हरियाणा की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल वेबसाइट पर की डेट भी अनाउंस हो चुकी है कि आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, पिछले साल मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद जो भी आपको पसंद ट्रेड है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, वो आप कैसे ले सकते हो। इसके अलावा एडमिशन की पूरी जानकारी मैंने अपने आपको यूट्यूब चैनल पर दी थी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में कि आप हरियाणा की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में एडमिशन कैसे ले सकते हो और जो आपको ट्रेड मिलेगी, जो आपके पसंद की ट्रेड है, वो आपको कैसे मिलेगी। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, सो आप इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। वेल दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। पिछले साल लास्ट ईयर आपका जो एडमिशन हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था और जितने आपके मार्क्स आए थे 10th में या फिर 12th में, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया आपको प्रोस्पेक्टस में कि सबसे पहले आपको techadmission.hry.gov.in या फिर टेक, जो यहाँ पर आप वेबसाइट के नाम देख रहे हैं, hstes.org.in, आपको इस पर विजिट करना है और आपको फिर साइनअप करना है, आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का दोस्तों यहाँ पर फीस भी मांगा गया है, वो कितना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लास्ट ईयर कितना मांगा गया था और अब की बार कितना मांगा जाएगा। इसके अलावा जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो आप ऑनलाइन सबमिट करना था, आपके पास डेबिट कार्ड है या फिर आपके पास नेट बैंकिंग आप चलाते हो या फिर आपके पास ATM कार्ड है, जो भी आप यूज़ करते हो उसके हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करना था। उसके बाद आ जाता है चॉइस फिलिंग। ये दोस्तों आपका था कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर करना चाहते हो या फिर आप मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर, जो भी आपकी मस पसंद आपकी ट्रेड है, जिस फील्ड में आप कोर्स करना चाहते हो, उसके लिए यहाँ पर आपको बोला गया था कि आप अपने हिसाब से अपने फील्ड को चॉइस कर सकते हैं। और ये सारा कुछ था आपका ऑनलाइन, जैसे यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी आपके ऑनलाइन होंगे, डॉक्यूमेंट भी आपको अपने हिसाब से, जो भी आपने 10th पास किया फिर 12th पास किया उसके डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड, इसके अलावा आपका हरियाणा का रेजिडेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको एप्लीकेशन के अंदर सबमिट करना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो आप काम की बात पर आ जाते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये था प्रोसेस आपका कि स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। और दो सबसे पहले देखिए, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, आप देख रहे हैं hstes.org.in, ये वेबसाइट मैंने आपको पहले ही बता दी है स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको एडमिशन करना है। तो आपको ये अपने लैपटॉप में ओपन कर लेनी है, इस टाइम मैं अपने लैपटॉप पे हूँ और अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप एडमिशन कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने मेरी वीडियो देखकर मोबाइल फ़ोन से ही अपने एडमिशन कराया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में, हरियाणा में जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है। मैं वो भी बताऊंगा कि हरियाणा में कौन कौन सी पॉलिटेक्निकल हैं और कौन कौन सी ट्रेड आपको उस कॉलेज के अंदर मिलेंगी, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और वीडियो को शेयर करते जाइए अपने फ्रेंड के साथ जो भी पॉलिटेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, लेकिन आपको डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर यहाँ पर आपको की डेट मिलेगी। अभी देखिए 10th का 12th का रिजल्ट नहीं आया है और जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उससे पहले ही यहाँ पर आपको की डेट आ जाएगी। यहाँ पर लिखा रहेगा की डेट ऑफ डिप्लोमा कोर्स फॉर द सेशन 2022-2023, तो यहाँ पर आएगा 2023 से 2024। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आपके पास एक प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप 10th बेस पर अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो देखिए 10th बेस के बाद आपका जो डिप्लोमा रहेगा वो 3 साल का रहेगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है 3 ईयर ड्यूरेशन कोर्स। और अगर आपके पास यानी कि ITI आपने कोर्स किया हुआ है 2 साल का, या फिर अगर आपने प्लस टू किया हुआ है यानी कि PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, यानी साइंस से अगर आपने प्लस टू की है,
तो फिर आपका लेटरल एंट्री के अंदर आप डिप्लोमा कर सकते हो, जो कि आपका 10th बेस पे 3 साल का है, तो वो आपका फिर 12th बेस पर आपका 2 साल का हो जाएगा, 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स। उसके अंदर यहाँ पर मांगा गया कि आपकी प्लस टू होनी चाहिए 12th क्लास, और PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, ये सब्जेक्ट आपके होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सेकेंड ईयर में डिप्लोमा कर सकते हो। या फिर आपके पास 10th के बाद अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है, IT कोर्स किया है, तो उसके बाद भी आप यानी कि 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हो पॉलिटेक्निकल में। या फिर आपके पास NSQF लेवल 4 का कोई भी कोर्स होना चाहिए, तब भी आप 2 ईयर का आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। ये भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। अब मैं चलता हूँ प्रोस्पेक्टस पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताई है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाकर, जैसे ही वहाँ पर लिंक आएगा तो क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पेज पर चलता हूँ 09, तो यहाँ पर मैंने एंटर दाब दिया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो फीस है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले ये टोल फ्री नंबर है 1800 137 37 35, तो ये टोल फ्री नंबर है टेक्निकल एजुकेशन वेबसाइट स्टेट टेक्निकल बोर्ड का। तो यहाँ पर आप कॉल करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन फीस कितना होगा, ये आपका रिफंडेबल नहीं है। यहाँ पर लिखा है फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन जो फीस होगी वो 1000 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करोगे तो उसके लिए 700 रुपीज़ हैं ऑल कैटेगरी के लिए, जिसमें SC, SCB, BC, PH, FF, E, SM, KM, गर्ल्स, यानी इसके अंदर गर्ल्स भी आ गई हैं। कभी आप ये कहो मेरी वीडियो कमेंट करो कि सर बॉय के लिए बॉयज़ के लिए बताया आपने, गर्ल के लिए नहीं बताया, ये सभी के लिए है जैसे आप देख रहे हैं। और अगर जनरल कैटेगरी से गर्ल है तो उसके लिए 700 ही है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं। तो इसके अलावा दोस्तों ये पिछले साल की रजिस्ट्रेशन फीस थी, अब की बार 800 से 900 हो सकता है, और 1000 है तो वो 1100 से 1200 हो सकता है, तो क्या पता ये भी यही स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और अब हम चलते हैं पेज नंबर 20 पे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो हमने यहाँ पर पेज नंबर 20 ले लिया है। अब देखिए दोस्तों, हरियाणा में जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हैं ये सभी के कोर्स हैं जहाँ पर ये कोर्स करवाए जाएंगे आप सभी को। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और केमिकल इंजीनियर है और सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये सभी डिप्लोमा यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये कोर्स हैं यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर टूल एंड डाई, मैकेनिकल इंजीनियर कैड एंड कैम, मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन, ये सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। ये है मैकेनिकल इंजन ऑटोमोबाइल, तो ये सभी कोर्स हैं। ये सभी कोर्स जो हैं हरियाणा में सभी पॉलिटेक्निकल में मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपके कोर्स हैं 34। अब हम चलते हैं दोस्तों आपको लेकर कि हरियाणा में जितने भी पॉलिटेक्निकल हैं वो काफ़ी सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हैं, किसी में आपका नंबर पड़ जाएगा बड़े आराम से, अगर आपके 70% अगर आपके 10th में या फिर 12th में मार्क्स आ जाते हैं। पिछले साल आपका जो मेरिट लिस्ट बना था वो आपके मार्क्स के, जितने भी आपके 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में नंबर आए थे उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार हुआ था, और उसी के आधार पर आपको डिप्लोमा में कोर्स करने को मिला था, यानी फील्ड जो कि आपके पसंद की फील्ड थी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, जो भी आपकी यानी कोई भी हो सकती है जिसमें आपका दिलचस्प है। उसके बाद देखिए हम चलते हैं सीधा आपको लेकर एडमिशन 51 पेज पर हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल के बारे में कि हरियाणा में कितनी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हैं। तो ये सब मैंने नोट किया हुआ आपके लिए ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो देखिए दोस्तों ये सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हैं, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, मैं अगर नाम लूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हैं, तो वीडियो को रोकना। और यहाँ पर लिखा भी है कि कौन सी पॉलिटेक्निकल कहाँ पर, जैसे महेंद्रगढ़, भिवानी, ठीक है, सिरसा, ये सब रोहतक, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जहाँ से आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे काफ़ी इजी पड़ेगा
अप डाउन करने में, या फिर वहाँ पर आप हॉस्टल लेकर रह सकते हो अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो। खुद मैंने भी 200 पॉलिटेक्निकल की है, और मेरा जो ब्रदर है उसका मैकेनिकल में नंबर पड़ा है, और मेरा इलेक्ट्रॉनिक में नंबर पड़ा था जो कि मैंने पास आउट की है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सभी पॉलिटेक्निकल हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप वीडियो रोककर आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस पॉलिटेक्निकल में आपको चॉइस फिलअप करने, किस पॉलिटेक्निकल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 53 पर। तो हम आ चुके हैं 53 पर। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर भी पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, और इसके सामने आप देख सकते हैं ब्रांच नेम, यानी कौन कौन से कोर्स इस पॉलिटेक्निकल के अंदर हैं, जो कि हरियाणा में पॉलिटेक्निकल है। ये वो कोर्स हैं जो कि इस पॉलिटेक्निकल के अंदर, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अम्बाला सिटी के अंदर आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियर एंड प्लास्टिक इंजीनियर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इनटेक फॉर 2023 में, 2022 से 23 में ये सीट थी। आर्किटेक्चर की यहाँ पर सीट थी 60, और ऑटोमोबाइल की सीट थी 60, सिविल इंजीनियर की 120 थी, कंप्यूटर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 60 सीट थी। यानी कि यहाँ पर इतने बच्चे लिए गए थे, टोटल यहाँ पर 600 बच्चों का एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर 2022 से 2023 में, और अब के बाद शायद ये नंबर बढ़ भी सकता है, कम नहीं हो सकता। तो ये आप एक करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो को बिल्कुल स्लो स्लो चलाता रहूँगा, स्क्रोल डाउन करूँगा, तो आप बिल्कुल आराम से देखना वीडियो को पॉज करके, क्योंकि दोस्तों मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लगभग दोस्तों सभी के अंदर, किसी में 300-400 सीट थी, किसी पॉलिटेक्निकल के अंदर 600, किसी में 800 सीट थी, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो। और किसी में दोस्तों जो आपका कोर्स है, मान लीजिए आप सिविल में करना चाहते हो, उस पॉलिटेक्निकल में नहीं है, तो आप लिस्ट के अंदर देख लीजिए, किसी और पॉलिटेक्निक में सिविल कर सकते हैं, मैकेनिकल कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो आपको हर एक पॉलिटेक्निकल के अंदर मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक भी कंप्यूटर भी। इसके अलावा जो आपकी चॉइस है वो अलग किसी और पॉलिटेक्निक में मिल सकती है। तो आप वीडियो रोककर ये सब देख सकते हैं जो मैं आप इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। दोस्तों जब हमने पॉलिटेक्निकल की थी उस टाइम इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उस टाइम इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन आज के टाइम में आप बड़े आराम से YouTube पर फ्री में वीडियो देखकर आप बड़े आराम से कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा, मेरे मन में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमने तो ये हम कि सर आपसे क्वेश्चन है और हमारे दिल के अंदर भी है कि सर आप ये तो बता रहे कि पॉपुलर ट्रेड आज के टाइम में कौन सी है। देखिए आज के टाइम में मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक का बहुत जमाना चल रहा है, आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक का, सिविल, कंप्यूटर, ठीक है, ये जो टॉप की ट्रेड है मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल टॉप की ट्रेड है, और आप इनसे अगर पास आउट करोगे तो आपको किसी न किसी आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनी मिल जाएगी, गवर्नमेंट के अंदर भी आपको, यानी कि वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर भी आपको नौकरी लग जाएगी। तो ये पॉलिटेक्निकल है दोस्तों, बड़े आराम से देखना बिल्कुल वीडियो को रोक रोक कर, मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों ये अपना जो पॉलिटेक्निकल है, ये आगे जो पॉलिटेक्निकल आएंगी वो आएंगी आपकी प्राइवेट पॉलिटेक्निकल, ठीक है, ये प्राइवेट पॉलिटेक्निकल, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैंने आपको गवर्नमेंट के बारे में बताना है। गवर्नमेंट की काफ़ी वैल्यू होती है दोस्तों, अगर मैं कंपेयर करूँ प्राइवेट के हिसाब से। तो अब हम चलते हैं दोस्तों पेज नंबर यहाँ पर 75 पे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 75, अब दोस्तों यहाँ पर फीस की बात हुई है। देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में यहाँ पर लिखा है ऑल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि 3000 रुपये उसकी फीस है सेमेस्टर वाइज, ठीक है, जैसे वन ईयर के अंदर आपके 2 सेमेस्टर होते हैं या फिर 3 जितने भी सेमेस्टर होते हैं, तो वन ईयर यानी कि आपके सेमेस्टर वाइज 3000 यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब है ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद देव फंड यहाँ पर 1500 है, टोटल फीस आपकी जो पिछले साल थी पर सेमेस्टर की वो 4500 थी इसके आसपास, लेकिन अब 2023 से 24 के अंदर ये फीस बढ़कर 5 के आसपास हो सकती है, इतना भी हो सकता है। अगर अब मैं बात करूँ प्राइवेट पॉलिटेक्निकल की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेमेस्टर जो फीस है वो 18,700, किसी में 16,000, किसी में 20,500, किसी में 20,000, किसी में 18,700, और 4400, किसी में देव फंड 4400 है, किसी में 3,085 है, किसी में 5,000 है, किसी में, यानी काफ़ी हैं, देखो आप देखो, तो ये आप देख सकते हैं। और टोटल मैं बात करूँ, टोटल यहाँ पर फीस आपकी पर सेमेस्टर होगी 23,100, 20,000, 25,000, यानी कि आप कंपेयर कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट से पॉलिटेक्निकल करोगे तो वो आपकी फीस पर सेमेस्टर
4,000 से 5,000 में होगी, और अगर प्राइवेट में करोगे वो फीस आपकी 20,000 प्लस रहेगी। कोई भी पॉलिटेक्निकल कम से कम 20,000, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल की इतनी वैल्यू नहीं होती। जब आप डिप्लोमा कर जाओगे तब आपको पता चलेगा, जब आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दोगे तब आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल की वैल्यू क्या है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल के ज़्यादा हायर करते हैं। कोई भी MNC कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, या फिर कोई भी आपकी इंडिया की कंपनी है, वो ज़्यादातर आपकी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल वाले कैंडिडेट लेती है। उसके बाद दोस्तों यही था बस आज का जो मैंने आपको फीस के बारे में बताई है, ये प्रोस्पेक्टस में से मैंने निकाला है आपके लिए। और दोस्तों जैसे ही की डेट आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे क्या करना है, और आपको चॉइस कैसे फिलअप करनी है, फाइनली आपको वो कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। लास्ट ईयर दोस्तों मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से जिसका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल के अंदर नंबर नहीं पड़ा था उनका भी नंबर मैंने यहाँ पर, अगर जिसका कैंडिडेट का ऑनलाइन काउंसलिंग नंबर नहीं पड़ा था उसका भी नंबर दोस्तों मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से सभी स्टूडेंट को गाइड किया था, और उनका भी नंबर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में पड़ चुका था और वो कोर्स अभी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पिछले साल एडमिशन हुआ था और कोर्स अभी वो कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों, ताकि वो भी देख सके कि एडमिशन का प्रोसेस कैसा है और कैसे कैसे यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।